Nikita Paper is a renowned paper mill situated in northern India, has been carrying an excellence in craft paper manufacturing for last three decades. A legacy of trust and quality, Nikita Paper has become a reliable name in paper market. Nikita Paper provides durable and high quality paper to its clients. देखो पेपर के लिए हम पहली बात तो ये कहना चाहेंगे कि वी आर अ केमिकल फ्री पेपर कंपनी. हम लोग जो पेपर बनाते हैं वी डोंट यूज एनी केमिकल्स. वायर एंड तक कोई पेपर केमिकल्स यूज नहीं होते. सिर्फ कोटिंग सेक्शन हमारा है जिसमें हम केमिकल्स यूज करते हैं. हमारा फूड ग्रेड सर्टिफिकेशन है फॉर द प्रोडक्ट. और हम और जगह भी जैसे आपके डोमिनोज हो गया या और जो फूड जहाँ पर अवेयरनेस है इस बात की कि पेपर में केमिकल्स नहीं यूज होने चाहिए वहाँ हर जगह हम सप्लाई करते हैं. Nikita Paper always adopts latest technology to produce the paper. All the plant machinery are acknowledged for their superior feature that includes high quality and strength. यहाँ पर हम लोग इस मिल में 150 टन क्राफ्ट पेपर्स बनाते हैं जो जनरली कोरुगेशंस के लिए या बैग्स पर्पस के लिए यूज होता है. यहाँ जो हमारा रॉ मटेरियल है दैट इज नियर अबाउट 50% इंपोर्टेड वेस्ट दैट इज फ्रॉम स्टेट्स यूरोप एंड कनाडा एंड रेस्ट इज फ्रॉम इंडियन अदर सोर्सेज. जो हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं एज पर द कोरुगेशन रिक्वायरमेंट दैट इज द फर्स्ट इज द आरसीटी. हम लोग हर बीएफ के अंदर जो आरसीटी बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए दैट वी आर मेंटेनिंग. एंड सेकंड इज द बीएफ वी आर मेंटेनिंग नियर अबाउट 2+ इन एवरी रिक्वायर्ड बीएफ. ओके वट एवर द ऑर्डर इज अवेलेबल. ZLD है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज. इसमें लगभग हमें 5 साल से हम लोग इसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं और पिछले 3-4 साल से तो बिल्कुल 100% ZLD पे हम अपनी मिल चला रहे हैं. इसमें हमने इक्विपमेंट भी लगाए हैं और पानी को साफ करने के लिए इसमें थोड़ा सा केमिकल भी इस्तेमाल करते हैं जो हार्मलेस है कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और टोटल पानी हम लोग वापस इस्तेमाल कर रहे हैं. पूरे प्रोसेस के अंदर ऐसे पैरामीटर्स मेंटेन हम लोग करते हैं ताकि हमारी मशीन्स के अंदर ब्रेक ना के बराबर हो. मोस्ट ऑफ द नियर अबाउट 99% ऑफ द रील्स आर निल जॉइंट. Nikita Paper has installed a state of art pulp mill section. As a CSR initiative, with regards to the environment, we are very aware. If we talk about Nikita Papers, we have our own independent team जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी हैंडल करती है. हमने प्रॉपर उसको डिज़ाइन कराया था एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी जिस टाइम बारिश होती है द वाटर गेट्स री हार्वेस्टेड इन टू द ग्राउंड. इज अ वेरी सक्सेसफुल प्लांट. वी आर बैलेंसिंग आर रिसोर्सेज. हम ये नहीं चाहते कि हमारे प्लांट से कोई भी वेस्ट बाहर जाए. तो अभी हमने रिसेंटली एक वेस्ट हैंडलिंग कंपनी भी बनाई है जिसमें जो पेपर इंडस्ट्री से प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है वी आर कन्वर्टिंग इट बैक टू रिन्यूएबल ऑयल. And it is a successful process and it has been running for 6 months now.
ये टेक्नोलॉजी हम यूरोप में देख के आए थे एंड बेस्ड ऑन दैट यूरोपियन डिजाइन वी हैड दिस मशीन इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना. सो इट इज़ वर्किंग गुड विद अस. इट इज़ 100% पॉल्यूशन फ्री, सर्टिफाइड है. वी हैव द एडिक्वेट अप्रूवल्स फॉर दैट मशीन एंड वी आर हैप्पी टू पुट इट अप. Exploring the market opportunities in lower GSM, Nikita Papers to invest Rs. 182 crore for its PM2, expected to start by May 2020. हमारा न्यू प्रोजेक्ट अभी 250 टन पर डे का रहेगा और इसमें हम 75 से 150 GSM और लगभग 40 से 45 BF का बनाएंगे कागज. और हम इसको दो फेज में पूरा करेंगे और जो फर्स्ट फेज है हमारा ये अप टू 100 करोड़ का है और सेकंड आफ्टर 2 इयर्स विद इन 5 इयर्स हमें पूरा करना है. ये हमारा टोटल टारगेट, हमारा जो प्रोजेक्ट है 182 करोड़ का. फर्स्ट फेज में प्रोडक्शन तो पूरा रहेगा, प्रोडक्शन में कोई इसमें कमी नहीं रहेगी. सेकंड फेज के लिए हम जो हमारा पावर प्रोजेक्ट है अभी हम इसमें जो कम TPS का बॉयलर लगा रहे हैं और टर्बाइन नहीं लगा रहे हैं, उसके बाद सेकंड फेज में पूरा अपना पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे. हमारा PM2 का प्रोजेक्ट है, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट. उसको हमने 100% 3D बेसिस पर डिज़ाइन कराया है, उसका पूरा लेआउट, उसकी मशीनरी, उसका पल्पिंग सेक्शन. दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट 3D एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट इन इंडिया. सो एवरीथिंग इज ऑन ग्राउंड, एवरीथिंग इज ऑन पेपर्स. उसका प्रॉपर डिजाइनिंग, कहीं कोई फाउलिंग नहीं होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू पाइपिंग, विद रिगार्ड्स टू इलेक्ट्रिकल्स, द फ्लोज, द वैक्यूम्स, एवरीथिंग हैज बीन सिस्टमैटिकली कैलकुलेटेड. जिस क्वालिटी का पेपर हम लोग बनाने का टारगेट लिए हुए हैं उसका मार्केट सिनेरियो बहुत अच्छा नज़र आता है, क्योंकि जिस टाइम हमने मशीन इंपोर्ट की है तभी हम लोगों ने इसका मार्केट सर्वे भी किया था. तो जितने भी मल्टीनेशनल MNCs हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, उन सबका कहना ये है कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं इसका मार्केट बहुत अच्छा रहेगा, ये इसका एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा होगा और हमारे यहाँ इंडिजिनियस मार्केट जो इंडिया में रहेगा उसमें भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. हम तो आपसे ये कह पाएंगे कि हमारा प्लांट चलने दीजिए, आई थिंक उसके बाद आपको यूरोप नहीं जाना पड़ेगा. Okay.